hello students in this video i will cover the basics of multi-rate digital signal processing then i will explain two methods for the sampling rate conversion and in the last i will tell you the advantages of multi-rate digital signal processing so uh, let's understand what is multi-rate digital signal processing uh, जैसे कि अगर हम सिस्टम की बात करें सपोज़ वी आर हैविंग अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इसमें हमने इनपुट दिया क्या एक्स ऑफ एन एंड इट्स आउटपुट इज़ सपोज वाई ऑफ फैन ठीक वी प्री प्लीज्यूम दैट इट इज़ एक्स ऑफ एन बट एक्चुअली इट इज़ वॉट इट इज़ एक्स ऑफ एंड टी एक्स वी आर टी एक्स इज द सैम्पलिंग टाइम ठीक है इन द सिमिलर वे लेट सपोज कि जो आउटपुट साइड है उसमें जो सैम्पलिंग टाइम है वो क्या है टी वाई सो वाई एंड टी वाई दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम ये आपके पास जो सिस्टम है इट इज अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम ठीक तो इनकेस इफ दिस टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई मीन्स जो इनपुट साइड में जो आप सिग्नल ले रहे हैं इसमें जो सैम्पलिंग इंटरवल है इफ दिस इंटरवल इफ दिस टाइम इंटरवल इज सेम एज आउटपुट साइड ठीक है देन वी विल से

मल्टी रेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सो इन द सिंपल बर्ड इफ सपोज अस्टम इज़ प्रोसेसिंग सिग्नल विच इज़ हैविंग मल्टीपल सैम्पलिंग रेट अगर कोई सिस्टम मल्टीपल सैम्पलिंग रेट के सिग्नल्स को प्रोसेस कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम मल्टी रेट सिस्टम और इस तरीके की सिग्नल प्रोसेसिंग को बोलेंगे मल्टी रेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑडियो प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, राइट तो अगर आपके पास कोई एक ऑडियो सिग्नल है ठीक है इसको अगर आप टेलीफोन लाइन के थ्रू सेंड कर रहे हो राइट तो इस ऑडियो सिग्नल की जो सैम्पलिंग होगी वो होगी एट किलो हर्ट्स की राइट एट किलो हर्ट्स का मतलब कि एट थाउजेंड सैंपल्स पर सेकेंड हम उस ऑडियो सिग्नल के लेंगे और इसको प्रोसेस कराएंगे एट थाउजेंड सैम्पल्स पर सेकेंड ठीक है ना इन केस ऑफ टेलीफोन लाइन सिग्नल राइट ऑडियो सिग्नल को अगर हम सेंड कर रहे हैं लेकिन अगर सेम ऑडियो सिग्नल को ऑडियो सिग्नल क्या है ये एक कोई साइनसोइडल वेवफॉर्म फॉर्म होगी एनोलॉग फॉर्म में होगी उसको जब हम किसी सीडी में स्टोर करेंगे तो उसे डिजिटल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा और डिजिटल फॉर्म में चेंज करने आ, के ड्यूरेशन में प्रोसेस में इसमें जो सैम्पलिंग रेट हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं फोर्टी फोर पॉइंट वन किलो हर्ड्स मत मींस फोर्टी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड सैंपल्स पर सेकेंड ठीक है kWh, second, ना तो इतने सैम्पल्स पर सेकेंड लेके हम उसको प्रोसेस कराते हैं उसको एनकोड करते हैं देन वी विल सेव इट ठीक तो सपोज आपको किसी टेलीफोनी सिग्नल को जो कि 8 किलो हर्ट्ज पे प्रोसेस हुआ है ठीक है ना उस सिग्नल को अगर आपको सी में स्टोर करना हो ठीक है ना या इसके रिवर्स किसी सी के सिग्नल को जो कि 44.1 किलोहर्ट्ज़ किलो पे प्रोसेस हुआ है स्टोर हुआ है उसको किसी टेलीफोन लाइन पे सेंड करना हो ठीक है तो उस केस में क्या होगा वी नीड टू कन्वर्ट दैम्पलिंग रेट ठीक है ना और इस तरीके के सिस्टम को जो कि इनको प्रोसेस करेगा मीन्स जो कि टेलीफोन सिग्नल और सी सिग्नल और भी बाकी सिग्नल्स को एक साथ प्रोसेस करेगा उसको हम बोलेंगे मल्टी रेट सिस्टम और इस तरीके की, की प्रोसेसिंग को बोलेंगे मल्टी रेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग तो अगर टेलीफोन लाइन सिग्नल को इस ऑडियो सिग्नल को ठीक है ना अगर हमें सीडी में स्टोर करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके सेम्पलिंग रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा एट किलो से हमें फोर्टी फोर किलो इसका सैंपलिंग रेट करना होगा इसको बोलेंगे अप सैंपलिंग ठीक इसके रिवर्स अगर सीडी वाले सिग्नल को अगर हमें टेलीफोन लाइन के थ्रू सही सेंड करना है ओके देन वी नीड टू डाउन सैंपल इट ठीक है ना मीन्स वी नीड टू डिक्रीज द सैंपलिंग रेट फ्रॉम फोर्टी फोर पॉइंट वन किलो हर्ट टू एट किलो हट्स ठीक है ना सो वी नीड द सैंपलिंग रेट कन्वर्जन समटाइम्स वी नीड टू इंक्रीज द सैंपलिंग रेट एंड समटाइम्स वी नीड टू डिक्रीज द सैम्पलिंग रेट ठीक है तो सैम्पलिंग रेट मतलब कि कितने सैम्पल्स पर सेकेंड हम ले रहे हैं ठीक है ना उनको हम इंक्रीज भी करते हैं और डिक्रीज भी करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट राइट नाउ आई विल टेल यू वॉट आर द मैथड्स फॉर द सैम्पलिंग रेट कन्वर्जन लेकिन अभी वो सैम्पलिंग रेट कन्वर्जन होता है वी आर हैविंग टू अप्रोच फॉर दैट। फर्स्ट अप्रोच क्या है जिसको हम नहीं यूज़ करते फर्स्ट अप्रोच क्या है कि वी फर्स्ट ऑफ ऑल हैव वी आर हैविंग सम सिग्नल एक्स ऑफ एन जिसका सैम्पलिंग रेट क्या है फिलहाल एफ एस नाउ वी वॉन्ट टू इंक्रीज और वी वॉन्ट टू डिक्रीज दिस सैम्पलिंग रेट देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पास इट बाई डी टू ए कन्वर्टर ठीक है एंड डी टू ए कन्वर्ट से क्या होगा कि इसका जो सिग्नल है जो डिजिटल आपके पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है इट विल चेंज इन दंटिन्यूस टाइम सिग्नल सपोज एक्स ऑफ टी ठीक है न एंड देन एज पर द रिक्वायरमेंट वी विल डू बाय द यूजिंग ए टू डी कन्वर्जन बी विल चेंज वी विल चेंज दिस सिग्नल एक्स ऑफ टी इन टू एक्स डैश एन एज पर आवर रिक्वायरमेंट बाई द बाई चेंजिंग द सैम्पलिंग रेट सपोज इस केस में जो भी हमें रिक्वायर्ड सैम्पलिंग रेट होगा वो हमें मिल जाएगा बिकॉज इन ए टू डी कन्वर्जन द फर्स्ट स्टेप इज द सैम्पलिंग ठीक है ना कि हमें जो एनोलॉग सिग्नल है उसके कितने सैम्पल्स पर सेकेंड लेने हैं या सैम्पलिंग रेट क्या रखना है ठीक है ना दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द ए टू डी कन्वर्जन सेकेंड स्टेप इज द क्वांटाइजेशन एंड द थर्ड स्टेप इज द एनकोडिंग ये तीन स्टेप होते हैं किसी भी ए टू डी कन्वर्जन में ओके सो एज पर रिक्वायरमेंट वी कैन सेलेक्ट एनी सैंपलिंग रेट ठीक है ना अगर हमें इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर देंगे डिक्रीज करना है तो डिक्रीज कर देंगे राइट right? तो इस तरीके से हमें एफ डस एस सैम्पलिंग रेट का एक सिग्नल मिल जाएगा इट मे बी एल एफ एस और इट मे बी एफ एस बाय सो वी कैन इंक्रीज और वी कैन डिक्रीज द सैंपलिंग रेट इन दिस वे ठीक है ना बट इस मेथड uh, का डिसएडवांटेज क्या है कि क्वांटाइजेशन इंट्रोड्यूस इन द सिग्नल जो क्वांटाइजेशन प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगी सो एक्चुअली वी आर चेंजिंग द सिग्नल फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग देन एनालॉग टू डिजिटल तो ऑब्वियस ये बात है उसमें कुछ ना कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगी और उस तरीके की एरर को बोलते हैं क्वांटाइजेशन बिकॉज जो क्वांटाइजेशन स्टेप होता है सेकेंड स्टेप होता है ए टू डी कन्वर्जन में उस पर्टिकुलर uh, स्टेप में क्या होगा एक एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगी राइट सेकंड मेथड इज इन मल्टी रेट रेट सिस्टम्स वी चेंज द ऑफ़ अ सिग्नल डिजिटली ठीक बाय द डेसीमेशन प्रोसेस और बाय इंटरपोलेशन मेथड और प्रोसेस डेसीमेशन में हम यूज करते हैं डाउन सैंपलर इंटरपोलेशन में यूज करते हैं अप सैंपलर टू इंक्रीज द सैंपलिंग रेट and in the decimation we decrease the sampling rate by some factor okay so these are two methods for the sampling rate conversion now in the next step we uh, i will explain what are the advantages of multi rate digital signal processing these are five uh, advantages of multi rate digital signal processing first is the reduced ट्रांसमिशन डेटा रेट रिड्यूज ट्रांसमिशन डेटा रेट का मतलब बाई यूजिंग सब बैंड कोडिंग ऑफ ऑडियो और अदर सिग्नल्स वी फर्स्ट ऑफ ऑल डू द डाउन सैम्पलिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफ ऑल वी पास द सिग्नल थ्रू लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर ठीक है एंड देन वी विल डू द डाउन सैम्पलिंग ऑफ द सिग्नल बाई डूइंग दिस वी कैन रिड्यूज द ट्रांसमिशन डेटा रेट मीन्स सपोज हम uh, किसी सिग्नल को किसी पर्टिकुलर डेटा रेट पर सेंड कर रहे हैं ठीक है ना लाइक ट्वेल्व के वी पी एस या ट्वेंटी के वी पी एस ठीक देन वी कैन रिड्यूज दिस ट्रांसमिशन डेटा रेट बाई यूजिंग द मल्टी रेड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ओके यू विल लर्न अबाउट हाउ वी विल रिड्यूज द ट्रांसमिशन डेटा रेट इन सब बैंड कोडिंग ऑफ द ऑडियो सिग्नल्स राइट वी कैन रिड्यूज द Computation complexity, because uh, uh, like uh, in case of uh, A 2 D con D 2 A conversion, then A to D conversion, a lot of things uh, will take place and uh, the system complexity will increase. But by using the multi-ray digital signal processing, we can reduce the computation complexity. Less memory requirement means, uh, suppose uh, we are having some data. ठीक देन वी कैन अप्रोप्रिएटली डू द सैम्पलिंग एंड देन क्वांटाइजेशन एंड देन अदर थिंग्स बाय डूइंग दिस वी कैन रिड्यूस द मेमोरी रिक्वायरमेंट ठीक है लेस स्टोरेज विल बी रिक्वायर्ड लाइक आप किसी भी डेटा को कंप्रेस करते हो ठीक है ना तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि यू uh, विल एनकोड द सिग्नल बाई यूजिंग लैस नंबर ऑफ बिट्स आपने किसी सिग्नल के कुछ सैम्पल्स लिए ठीक है जो आ, जो पार्ट part उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम का आपको पता है जैसे ऑडियो सिग्नल ऑडियो सिग्नल में जो लो फ्रिक्वेंसी पे जो सिग्नल होता है दैट इज हैविंग द मेन पावर ठीक है ना मेन एनर्जी ऑफ द सिग्नल रिसाइड इन द लोअर बैंड ऑफ द ऑडियो सिग्नल तो हम उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या करेंगे वी विल प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ बिट्स ठीक है ना लार्ज नंबर ऑफ बिट्स से आप से एनकोड uh, करोगे एंड देन वी विल रिक्वायर लेस मेमोरी ठीक है ना सो वी आर हैविंग लेस मेमोरी रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ मल्टी रेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग वी रिक्वायर लोअर ऑर्डर फिल्टर डिजाइन एंड लेस कोफिशियंट सेंसिटिविटी एंड नॉइज इन केस ऑफ multi-rate digital signal processing so these are some advantages of uh, multi-rate digital signal processing mm, thank you everyone